Hello friends, I welcome to our online classes. Today I am going to discuss civics and my topic is from bill to law. From bill to law. So parliament mein ek bill kanun kaise banta hai isme hum log discuss karenge. So first of all I will discuss about bill, how many types of bill. So before discussing bills, I have discussed earlier, the parliament plays on an important role in making a law. A law is formed on the approval of bill. A bill is a kind of proposal or suggestion put forwarded by the members of Lok Sabha and Rajya Sabha. So first of all we will discuss types of bill. Basically there are two types of bill. First money bill and second ordinary bill. Money bill and ordinary bill. So what is money bill? A money bill shows in the detail of expected income of the country and the manner in which the government would spend. Money bill क्या होता है? ये एक details है कि हमारे देश में, हमारी country में एक साल में क्या खर्च है, क्या income है. इस money bill में टैक्स भी, टैक्सेस के थ्रू कितना इनकम हुआ, नए टैक्सेस लगाना है या जो टैक्सेस चल रहा है उसमें घटाना है उसका भी जिक्र होता है. एंड बिल ऑरिजिनेट एंड दिस मनी बिल इज फर्स्ट ऑरिजिनेट इन द लोकसभा. तो मनी बिल को हम पहले लोकसभा में ही लाया जा सकता है. मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको लोकसभा में ही लाया जा सकता है. मनी बिल के अलावा जो ऑर्डिनरी बिल है उसे किसी भी बिल में, किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है. ओके, देन वी कम ऑर्डिनरी बिल. व्हाट इज ऑर्डिनरी बिल? एनी बिल अदर देन द मनी बिल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी. मनी बिल के अलावा कोई भी बिल अगर संसद में, पार्लियामेंट के हाउसेस में लाया जाता है तो वो क्या है? ऑर्डिनरी बिल. और दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. मनी बिल के साथ कंडीशन ये है कि उसे सिर्फ लोकसभा में ही पहले ओरिजिनेट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन ऑर्डिनरी बिल अगर लाना है कानून बनाने के लिए तो इसे किसी भी हाउस के द्वारा लाया जा सकता है. लोकसभा भी में पहले ला सकते हैं या राज्यसभा में भी पहले प्रेजेंट कर सकते हैं. सो द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. सो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा. नेक्स्ट एन ऑर्डिनरी बिल हैज टू गो थ्रू सम स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट. एंड एक्ट मीन्स लॉ. एक ऑर्डिनरी बिल को बिल से कानून बनने में, एक्ट बनने में कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बिल किस तरह से कानून बनता है. तो इसके लिए पहले कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. वो स्टेजेस क्या है? फर्स्ट रीडिंग, देन सेकंड रीडिंग, देन थर्ड रीडिंग, देन बिल इन द अदर हाउसेस, then presidents approval. So these are the stages. In stages से गुजरने के बाद ही कोई भी एक कानून या एक्ट बनेगा. तो अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट रीडिंग क्या होता है. फर्स्ट रीडिंग में अब एक बिल जो पार्लियामेंट में, हाउस में लाया गया है, एट दिस स्टेज इन फर्स्ट रीडिंग, एट दिस स्टेज द बिल is introduced in the house by the ministers. If the members of the house favor the bill,
इट गोज द सेकंड स्टेज। अब कोई भी कानून, नया कानून बनाना भी, जैसे सीए पे कानून आया तो पहले फर्स्ट रीडिंग से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, कोई भी मिनिस्टर इस बिल को पार्लियामेंट में लाएंगे, लोकसभा में या राज्यसभा, और फर्स्ट टाइम उसके मकसद को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को बताएंगे कि इस बिल को लाने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके मकसद और ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस होता है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर वहाँ पर मेंबर फेवर करते हैं तो फिर ये बिल सेकेंड स्टेज के लिए तैयार हो जाता है और सेकेंड रीडिंग में चला जाता है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड रीडिंग में क्या होता है। एट दिस स्टेज long discussions take place on the various aspects of the bill. In the second reading, अब जो law आ रहा है, जो कानून आ रहा है, उसके ऊपर खुल करके बहस होती है, एक एक aspects पे बहस होती है, opposition party, ruling party, favor में, against में, दोनों हर aspect पे उस बहस होती है, और फिर favor में या against में report भी तैयार होता है। फिर सेकेंड रीडिंग में लाइव ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, अब ये देखना है कि उस बिल से रिलेटेड जनता में जनता की क्या ओपिनियन है, उस ओपिनियन के लाइव में भी उसको डिस्कस करते हैं। अगर इस बिल में किसी तरह का कोई कंट्रोडिक्शन है, कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर वो सिफारिश करते हैं के इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। सेलेक्ट कमेटी क्या है, सेलेक्ट कमेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर है पार्लियामेंट के, उसी में से कुछ लोगों को चुना जाता है और उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा जाता है कि आप इस बिल से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उसमें डिस्कस कीजिए। उनको एक सर्टेन पीरियड टाइम दिया जाता है कि इसका आप स्टडी कीजिए और देखिए इसमें अच्छा है, क्या है, खराब है। तो सेकेंड रीडिंग में क्या होगा कि उस बिल से रिलेटेड अगर मान लीजिए कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये कानून में कुछ, आपने जिस तरह का बिल लाया इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिए, ठीक है ये कानून ठीक है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स ठीक नहीं, इस पॉइंट्स को हटाइए, डिलीट कीजिए या कुछ नए पॉइंट्स को ऐड करिए, तो सेकेंड रीडिंग में ये पॉसिबल है कि उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। जो बिल आया है उस बिल में जो बातें पहले से मिनिस्टर्स या रूलिंग पार्टी के कोई भी मिनिस्टर्स लाए हैं, तो सेकेंड रीडिंग में अमेंडमेंट का प्रोविजन है, हो सकता है सेलेक्ट कमेटी भी देखने के बाद ये तय करेगी, वो भी अपने रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ इसमें कुछ खराबी है, इसको आप चेंज कर लेंगे या कुछ और ऐड कर लेंगे। अब उसके बाद फिर जब यहाँ से ये पास होते, यहाँ से सेकेंड रीडिंग स्टेज से गुजरने के बाद फिर थर्ड रीडिंग का स्टेज आता है। इसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज ओनली अ ब्रीफ डिस्कशन टेक प्लेस इन द हाउस। अब थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि इसमें लॉन्ग डिस्कशन नहीं होता है, एक ब्रीफ डिस्कशन होता है एंड नो अमेंडमेंट इस पर में। अब जो भी इस बिल के अंदर अमेंडमेंट या चेंजेस लाना था वो सेकंड रीडिंग में कर लिया, थर्ड रीडिंग में अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती, आफ्टर डिस्कशन बिल्स होते हैं। तो थर्ड वाले में क्या होता है कि अब सब कुछ हो गया, उसके बाद अब वहाँ पे वोट होगा कि बिल के फेवर में कितने लोग हैं और बिल के अगेंस्ट में कितने लोग। तो कोई भी बिल, कुछ बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, कुछ बिल टू थर्ड ऑफ मेंबर्स अगर उसके फेवर में वोट करेंगे वो पास होता है, ये सिंपल मेजोरिटी और टू थर्ड मेंबर्स मेजोरिटी क्या होता है अभी आई हैव डिस्कस। तो यहाँ पे थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि बोर्ड का प्रावधान है, अब उसके फेवर और अगेंस्ट की वोटिंग होती है, और अगर फेवर का परसेंटेज ज़्यादा है, जितना रिक्वायरमेंट है फेवर की उतना आ गया, वो भी पास हो जाता है, और वो भी उस हाउस से पास होने के बाद इट इज सेंड टू द अदर हाउस। अगर ये भी लोकसभा में पहले प्रेजेंट किया गया है तो फिर अब राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा में इस बिल को प्रेजेंट किया गया है तो फिर सेकेंड यानी लोकसभा में
ये जाएगा। सो बिल इन द अदर हाउस, नेक्स्ट स्टेज इज बिल इन द अदर हाउस। अब यहां से एक हाउस से पास होने के बाद अदर हाउस में जाएगा। अदर हाउस में मतलब राज्यसभा भी हो सकता है और लोकसभा। सो व्हेन द बिल रीच द अदर हाउस इट अंडरगोस ऑल द प्रोसेस एज इन द फर्स्ट हाउस। अब जैसे ही ये बिल दूसरे हाउस में जाएगा तो सेम उसी प्रोसेस से गुजरना होगा जो प्रोसेस फर्स्ट हाउस में हुआ था। वहां पे क्या होगा, बिल फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग का जो प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस अदर हाउस में भी होगा। और उसके बाद डॉट्स क्वेरीज क्लियर, और फिर जो भी वहां के राज्यसभा के मेंबर्स को उस बिल से रिलेटेड कोई डाउट्स होगा कोई क्वेरीज होगा तो वो उनसे पूछेंगे, और उससे रिलेवेंट जो मिनिस्टर्स हैं जो बिल आए हैं वो उसके बारे में जवाब देंगे आंसर्स देंगे। After dog's file is clear, send for the president. Consent. इसके बाद अदर हाउस में भी ये सेम प्रोसेस होने के बाद डिस्कशन होने के बाद ये बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। अब प्रेसिडेंट उस बिल को देखेंगे सब कुछ और स्टडी करने के बाद उन्हें लगेगा कि हाँ ये ठीक है तो साइन कर देते हैं, और उनके साइन करने के बाद ये बिल लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। अगर उन्हें लगे कि इस बिल में कुछ कमी है कोई दिक्कत है तो ये ज्वाइंट सेशन भी बुला सकते हैं पार्लियामेंट के दोनों सदन को कि मीटिंग एक साथ करवा करके फिर वहाँ पे वोटिंग करवा सकते हैं, या इसे वापस भी कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट को वीटो का पावर दिया गया है उसके थ्रू ये वापस कर सकते हैं कि इसमें आप कुछ चेंजेस लाइए। अगर पार्लियामेंट के हाउस इसमें कुछ चेंजेस नहीं लाते हैं दोबारा सेम वही बिल फिर प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे तो प्रेसिडेंट उसको सेकेंड टाइम में साइन करना पड़ता है, अब वो उसमें प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। सो ये है स्टेजेस किस तरह से ये बिल कानून बनता है। सो अबाउट दिस I was talking, so I hope everything is clear to you. Thank you for listening. Be happy and spread happiness.